नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं रविंद्र सरोवर में। रविंद्र सरोवर वो जगह है जहाँ डेली दक्षिण कोलकाता के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। शाम के वक्त भी कई लोग यहाँ वॉक पर निकलते हैं। इसी रविंद्र सरोवर में छठ पूजा के दौरान आसपास के जितने भी लोग हैं बड़ी संख्या में छठ पूजा करने आते हैं, मगर इस बार शायद ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल की तरह ही इस बार भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी यहाँ छठ पूजा करने पर पूरी तरह से बैन है। राज्य सरकार ने छठ पूजा यहाँ हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया था, मगर उसके लिए जो तारीखें दी गई है वह इस साल मुमकिन नहीं होगी। यानी छठ पूजा पर बैन रविंद्र सरोवर के लिए फ़िलहाल लगा हुआ है। रविंद्र सरोवर वह झील है जिसे कोलकाता का दिल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्यावरण प्रेमियों का लगाव है। इसे देखते हुए ही छठ के लिए, ख़ास तौर पर छठ पूजा के लिए यहाँ पर पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कुछ पर्यावरणविदों ने NGT में याचिका दाखिल की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर छठ पूजा पर बैन लगा हुआ है। यह बैन पिछले छठ पूजा पर भी लगा था, लेकिन लोगों की आस्था ने उस बैन को नहीं माना और दरवाजों पे लगे तालों को तोड़कर यहाँ पे छठ पूजा की गई थी। उस वक्त प्रशासन ने भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि छठ पूजा आस्था का ऐसा महापर्व है जिसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। NGT और हाईकोर्ट में बैन के बावजूद यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। शायद यही कारण है कि प्रशासन के हाथ भी इस बार बंधे हुए हैं, जिसे देखते हुए रविंद्र सरोवर के कुछ हिस्सों को टीन के शेड से पूरी तरह से ढक दिया गया है, क्योंकि यह वो एरिया है जहां से आसपास के आने वाले छठ व्रती पाचिलों को फांद कर यहाँ रविंद्र सरोवर में अपनी छठ पूजा सम्पन्न करते हैं। इस बार ऐसा ना हो इसलिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग इन टीम के शेड को भी तोड़कर अंदर आते हैं या फिर पूरी तरह से रविंद्र सरोवर पर यह बैन लगा रहेगा। कैमरामैन अर्पिता के साथ मैं सोनू ओझा, सनमार्ग, कोलकाता।